मित्रों हाड़ौती खबर में आप सभी को स्वागत है। और लो मैं आज आप भी एक बहुत ही रोचक जानकारी के लेकर अपने अटरू के नज़दीक एक गांव से मूड़ला जहाँ ले रहे थे किसान की प्रकार से अपना नवाचार कर रहे थे। और अपन मिलेंगे आज कंवर लाल जी राठी सू, वहाँ से जानकारी लेंगे वहाँ ने की प्रकार से वहाँ का जो जमीन से वहाँ की प्रकार से फल फ्रूट का पौधा लगा रखा है। और जानकारी मिली है मित्रों को वहाँ ने सोलर उपकरण भी इस्तेमाल कर रखे थे और सोलर पंप को वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो अपन वहाँ से जानेंगे श्रीमान कंवर लाल जी राठी का अपन चाल रहे थे वहाँ का करना। आओ मित्रों, तो लियो मित्रों आप ही मिलाऊँ चुमो श्रीमान कंवर लाल जी राठी जाना यहाँ के खेत में जो बगीचा में कहीं कहीं लगा रखे थे कहीं कहीं सोलर उपकरण से आपने वहाँ कहीं वो सौर ऊर्जा को उपकरण लगा रखे थे लगा रखे तो जानकारी मिली के सौर ऊर्जा को उपकरण लगा रखे थे। और तो ऊँचू कहीं कहीं सुविधा से पाओ जी आपने पानी फेर रहे जाए तो वो जो मोटर से वह भी उसे ही चाल जाएगा सौर ऊर्जा से ही चाल जाए। देखो मित्रों सौर ऊर्जा कितनी अपनी कितनी काम की ऊर्जा से बना लाइट का बना विद्युत का अपन अपना खेत में गाँव में सुविधा चला सका उसे केबी का खेती कर रहे जो एक हेक्टेयर भूमि ये उसे सिंचित कर रहे थे। और पानी को प्रेशर वगैरह खूब देरी जी पड़े और लाइट की कोई दिक्कत तो ना हो ना कोई नहीं। सुबह चले थे 7 बजे अच्छा और शाम की 5:30-6 बजे मंदो मतलब सुबह से लेर शाम तक 12 घंटा तक वहाँ सर्विस दे जाए आपके है ना। और के पेड़ पौधा आपने वहाँ कर रखा है वहाँ नींबू का बाग लगा रहा है। अच्छा फली खेती कर जाएगा आप वहाँ फली खेती कर तो फिर आपन ये नींबू को बाग और जो अमरूद को बाग जो आपने लगाया जो इसमें आपने फायदा मिल रहे जो वहाँ जरूर फायदा मिल रही नींबू की 35 पेड़ जो 35 पेड़ नींबू आ रहा है। अच्छा शानदार तो ऑर्डर ले जाऊँ। अच्छा वो कागजी नींबू से आपके ज्यादा रस वाला नींबू ज्यादा नट वाला जो यही चीज नींबू भी अगर आकार चाहो तो बताए वो अपन पधारेंगे आपके खेत पर। और जामफल कितनी वेरायटी का लग रहा है वहाँ जामफल छोड़ दूसरा भाई के जी। अच्छा तो वो अपन मैं देख लेंगे साहब वहाँ जामफल आना भी है ना। तो आप ही बहुत बहुत धन्यवाद आड़ोदी खबर में आपको स्वागत है। और मैं अपन आपको खेत देख रहा हूँ जहाँ तक के लिए राम राम। और लो आओ मित्रों मैं आप ही मिलाऊँ जो अब अपन चलेंगा खेत पर मैं मूड़ला गाँव में। देखो एक छोटू सो गाँव से और यहाँ आए थे अपन राठी जी क्या कंवर लाल जी राठी जी क्या और यहाँ ने जानकारी दी है यहाँ ने सोलर उपकरण वहाँ लगा रखे थे और वो सोलर उपकरण से सोलर पंप ये चलाओ से मित्रों। और आप ही मुझे चालू यहाँ का बगीचा पर खेत पर जो किसाना का कारण बहुत ही कारगर साबित होगा भविष्य के लेकर विद्युत की कमी कई सारी बातें बड़ा बड़ा प्लांटा में कोयला की कमी आ जाओ जहाँ लाइट की परेशानी आओ तो यह देखता हुआ यहाँ सोलर उपकरण इस्तेमाल कर रहा है और उसमें ये एक हेक्टेयर भूमि सिंचित कर रहा है आप ही दिखाऊँ चुम। तो मित्रों अब मु ले रहा हूँ राठी साहब क्या आज और यो छे सोलर पंप यो ये सोलर पैनल सामने लाग रो छे और ये पैनल का माध्यम से मैं सौर ऊर्जा इकट्ठी हो जिसे यो पंप संचालित हो छे। पूछा जा राठी साहब सु राम राम साहब राम राम आपको शुभ नाम पृथ्वीराज जी अपन बात कर रहे थे पृथ्वीराज जी राठी से जो कि मूड़ला का निवासी से और यहाँ ने बहुत ही बढ़िया यो दिखाओ कैमरा मैन टी ये बहुत ही बढ़िया सोलर उपकरण यहाँ ने लगा रखे जो सौर ऊर्जा का माध्यम से ये पंप ने संचालित कर जो तो यो किस प्रकार से चालू जो भाई साहब यो सुबह चल जाओ जी के बजे नहीं चालू जो ऑटोमेटिक चालू ऑटोमेटिक। देखो अभी की खासियत पंप की का ऑटोमेटिक ही रोटेट हो जो रोटेट भी हो जी हो घूम से मतलब सूरज का लारा तो देखो जानकारी मिली गई सूरज का लारा यो पंप घूम अभी जिस दिशा में सूरज चल जाओ जो उसी दिशा में ये पंप अपनी प्लेटा ने घुमाते हुए और विद्युत को उत्पादन करे है ना। और यह मोटर इसी चाल जाए अच्छा तो पूरा सिस्टम चाहिए ड्रिप सिस्टम भी कर रहा है जो देखो खेती में नवाचार पृथ्वीराज जी से अपनी जानकारी मिल रही है नवाचार या ना किसाना के लेके मतलब अलग ही प्रकार को एक तरीको ढूंढ लो खेती करवा को और ड्रिप सिस्टम भी चलाओ जाओ ड्रिप तो ये पंप से अच्छा तो ये वाल वगैरह दवाई सब यहाँ से अच्छा ये देखो पंप का माध्यम से दवाई वगैरह भी दवाई में डालनी पड़े दवाई तो खाओ और डाल दवाई में बाल्टी लगा ऑटोमेटिक चले अच्छा इमें एक बाल्टी के माध्यम से उमें दवाई डाल और इमें शिफ्ट कर दे जाऊँ है ना। और ये वाल से ये पानी वानी देवा करना डायरेक्ट तो यो पैनल यहाँ से चेंज हो जाओ जो भाई अठी पानी देनो अठी पानी देनो इमें बेलड़ो जोड़ दे जो नहीं बेलड़ा की जरूरत ना पड़ा ऑटोमेटिक अच्छा इमें अच्छा साइड ऑटोमेटिक देखो मित्रों जानकारी कितनो आधुनिक तरीका को यो पंप छे और यो ऑटोमेटिक ही मतलब चेंज हो जाओ जो अपनी खटी पानी देनो जो खटी पानी न देनो। और राम राम साहब आप भी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यो पैनल के बारे में भी आप मैं जानकारी दो कैमरामैन दिखाओ एक बार पैनल
तो यो पैनल कशा काम करे जियो? यो जिया सूरज कटदा ही चालू हो जाओ जे सूरज कटदा ही सुबह तड़का में, मतलब यो जो सोलर से सोलर पंप से यहां को और यो सोलर प्लेटा से ये सूरज की डायरेक्शन से चालू जे, मतलब जैसे सुबह सूरज उगता ही चालू हो जाओ ऑटोमेटिक घूम जे। अच्छा तो आप ही कभी लाइट की कमी महसूस हो जे? नहीं नहीं कतई भी नो। और के साल से आपने यो लगा रखे? यो 7 साल हो गए। 7 साल हो गया। देखो मित्रों, 7 साल से ये सोलर पंप का माध्यम से सोलर प्लेटा का माध्यम से ये बहुत ही अच्छी खेती कर पा रहे थे और फायदा भी हुआ। तो एक्स्ट्रा मोटर भी इसू, मतलब या तो आवश्यकता हो तो इन्हें चला लें ना तो फिर वो वाली चला लेना, है ना। तो देखो मित्रों कितनो फायदा हो अपनी। और अब आगे आप ही मुँह लेर चालूंगा बगीचा में, राठी जी के बगीचा भी बताया फल फ्रूट का, है ना। तो फिर मैं वहीं देख जा रहा था और जानकारी देऊंगा मित्रों। बढ़िया रिजो आठ दो खबर आप, राम राम। लो मित्रों अब मुँह ले रहा हूँ आप ही राठी जी का बगीचा में और अपन बात करेंगे सारंग जी राठी जी से। तो यो कहीं को बगीचों से? नींबू को बगीचों साहब। नींबू किसी की कंपनी से, कहीं जात का नींबू चाहिए? ये कागजी नींबू से। कागजी नींबू बताया जा रहा है कागजी नींबू। कागजी नींबू की कहीं खासियत से, मतलब हम खासियत आज है कि मतलब रस ज्यादा कड़ा चो और ऊपर को छिल तोड़ रहे नरम एक नाखून से उपाड़ लेता, मतलब खबर को मतलब यो मित्रों के जी यहाँ को नींबू से उमा रस ज्यादा खड़ा को और जो बाहर को जो छिलको आओ वो छिलको पतलो छिलको खड़ो जिस भी खज कागजी। अच्छा तो इमा कितना फेड़ लाग रहा होगा आपको? इमा अपना 55-60 के आसपास फेड़ लाग रहा है। 55-60 का लगभग फेड़ अपनी जानकारी मिल रही है, 55-60 फेड़ यहाँ का लाग रहे थे। तो इसको कितना उत्पादन, एक फेड़ को कितना उत्पादन माना अपन? एक क्विंटल दो क्विंटल? हाँ एक दो क्विंटल तो आराम से। एक दो क्विंटल तो ये मीना में एक बार? 12 मासी से साहब। 12 मासी। देखो आप नींबू की खासियत 12 मासी नींबू है, 12 महीना ही नींबू की कोई कमी को ना, सर्दी गर्मी बरसात अपनी नींबू अपन यहाँ से मिलता रहे। तो यहाँ की देख रेख की प्रकार से करो जो आप? यहाँ की देख रेख अपने का जाला निकला था टाइम टू टाइम जब भी नयो सीजन आबा लागे छे। अच्छा। तो यो कैमरामैन दिखाओ यो फेड़ की काई उम्र होगी? होगी ये हो गया साहब 5-6 साल का हो गया होगा। 5-6 साल को फेड़ हो गया। और ये देखो कितना सुंदर सुंदर नींबू इमा और यहाँ की साइज देखो आप बड़ा बड़ा, ये देखो ये नींबू और ये ऊपर तक लदे हुआ है। तो यहाँ की कटिंग वगैरह भी करनी पड़े? कटिंग वगैरह भी करा। अच्छा तो ये कटिंग ही हो रही है यहाँ की? आर्टिस्ट दिखाओ कैमरामैन। और ये देखा ये नींबू नीचे करो, ये देखो साहब नींबू की साइज देखो आप, या कागजी नींबू है और बहुत ही मतलब इको जो छिलको कागज के नहीं इको नाम जशो नाम वशो काम जो इको इमें रस ही रस है और नींबू कागजी नींबू जो हो इको छिलको बिल्कुल कागज के नहीं बारीक आओ जो। और आप ही मत दिखाओ जाए पेड़ पौधा आगे आओ, ये देखो कितना सुंदर नजारो ये बगीचा को आप देख पा रहे जो आड़ो तो खबर का माध्यम से, कितना सुंदर नजारो पेड़ पौधा को नींबू को बगीचो यो कागजी नींबू को बगीचो। आप ही मुँह लेर चाल रू जो आगे तो सारंग जी आपने यहाँ पहल कतना दिन हो गया ये टाइप की पहल करता है बगीचा की? 5-7 साल हो गए। 5-7 साल हो गए। ये देखो मतलब एक अपनी रौनक ही में आया के बाद अपनो मन खुश हो जाओ बगीचा में। बगीचा देखो आप कितना सहयोगी रह जा अपनी जो आज की जो दिनचर्या से अपनी आलसी व्यक्ति अपन हो गया आलस भर गया अपने भीतर, तो अपन बगीचा लगाओ और यहाँ की सेवा करा। और फिर देखो आप ये देखो आप ये नींबू ये सारा ही कागजी नींबू है और लगभग 50-60 का लगभग ये पेड़ पौधा बताया गया है। अब ये लास्ट पड़ाव चाह रहे हो, अब नयो पड़ाव होगा जो नई तिथि आ गई है यार, दिखाई जाओ कैमरामैन। ये नई तिथि आई में ये नई छोटी छोटी तीतियां यो अगलो फड़ाओ इमें से नई तीतियां में से चालू हो जाओगे नई तीतियां में चालू हो जाओगे। ये सब जगह फूट बला गई है ये नई तीतियां, ये देखो आप सब जगह नई तीतियां फूट रही है और नयो फड़ाओ चालू हो जाओगे। 12 मासी इमें फड़ाओ कुछ है और चाल तो रह जियो। तो मित्रों आपने देखो जो उठी पृथ्वीराज जी राठी को जो नींबुआ को बगीचो जो और अब वहाँ का ही बड़ा भाई वहाँ का कोड़ा आप ही ले रहा था। आपको क्या नाम से आओ? मेरा नाम ब्रजराज राठी। ब्रजराज जी राठी पृथ्वीराज जी का बड़ा भाई ब्रजराज जी राठी जो कि मोड़ला गांव में यहाँ को यो बगीचो छ। तो यो नींबू को क्या नाम से साहब? ये थाई लेमन है। थाई लेमन जी हो, थाई लेमन वाला थाईलैंड से थाईलैंड से तैयार हुई थाईलैंड की नस्ल आपने मोड़ला में आपने देखवा मिल रही है आज। और ये देखो साहब थाईलैंड की नस्ल को यो नींबू की साइज देखो आप, ये मतलब ये बिना रोग 12 महीना बिना रोग 12 महीना
हाँ। और 12 महीने चलता है ये। अच्छा, सर्दी गर्मी बारिश तीनों में एक जैसा। सर्दी गर्मी बरसात ये थाई नींबू अपनी आज देख वहां मिल रहे थे ब्रजराज जी राठी का बगीचा में, और 12 महीने ही चला जी। 12 महीने तो चलते हैं ये अचार में और जूस में। अच्छा, सब में दी आबार सर्दी आ गई मित्रों, और सर्दी में नींबू का अचार बहुत ही स्वास्थ्य में फायदेमंद, और अचार ही को अचार बहुत बढ़िया बताया जा रहे थे। और मतलब खट्टे भी कम होते हैं, स्वादिष्ट भी होते हैं, छिलके में कुछ रस्सी में कितनों खट्टे रस है बहुत ज्यादा, एक डिस्पोजल के बराबर, एक डिस्पोजल मित्रों, एक डिस्पोजल के बराबर यहाँ रस। और देखो आप नींबू की साइज तो देखो एक बार, आप लदड़ हो रहे हो फेड़ ऊपर से नीचे, और फेड़ की जो ऊंचाई से मात्र 2.5 से 3.5 फीट 4 फीट को फेट चाहिए हो, और देखो इसमें उत्पादन और लगभग कितना उत्पादन हो जाओ साहब इसमें। 50 किलो एक बार में दे देता है। 50 किलो एक बार जब इसमें फड़ाव चालू हो जाए 50 किलो, और ये तो फेट छोटो जाल तो बड़ो होगा जब तो ज्यादा उत्पादन। 2 साल का बाद तो ये ज्यादा भी दे सके। 2 साल मतलब 1.5 से 2 साल को जब फेड़ हो जाओगे ना उसके बाद अपने 1.5 से 2 क्विंटल 1.5 से 2 क्विंटल इसमें फड़ाव अपनी साल भर में 1 क्विंटल साल भर में 1 क्विंटल साल भर में साल भर में एक क्विंटल फल अपनी यो मलोगो। और तो इसे यो नवाचार से और किसान आसो काई खबो साओगे आप भैया, ये कर नई खेती करो और नई टेक्निकल से पैसा कमाओ। अच्छा, इमे यो ज्यादा नुकसान तो नो जिसे ज्यादा पानी बरस गयो का कम पानी बरस, इमे सबसे कम नुकसान रहती इमे। अच्छा, तो नुकसान को तो मतलब इमे चांस ही कोई नहीं, ब्रजराज जी बता रहे अपनी नुकसान को तो कोई मतलब ही कोई नहीं खेती में। इसी नींबू में किंकर रोग ज्यादा लगता है, इसमें किंकर ये जो थाई नींबू से यो थाई लेमन से इमे किंकर नामक जो रोग हो चे वो रोग की संभावना बहुत कम चे, और आपने देसी नींबू आम किंकर नामक रोग लागे चे जिसु दौड़े ओछा जाओ चे यहाँ पे पौधा के ऊपर डंटल सूख जाओ चे यहाँ का, और कहीं कहीं उस रोग पूरा पेड़ भी सूख जाओ, पूरा पेड़ सूख जाओ चे किंकर रोग से। और ये अशु फड़ाओ अपनी, और ये कैमरामैन दिखाओ आप आगे ताई कितना सारा ये देखो आप बगीचा में खूब सारा पेड़ पौधा, और कितनी संख्या से आपके यहाँ के पेड़ पौधा की? ये टोटल 1200 नींबू के पेड़, 1200 नींबू देखो मित्रों 1200 नींबू किसान इस प्रकार से 12 बीघे का है, 12 बीघा। और ये देखो ये बीच बीच में यू कहीं कर रहा है जो आपने जगह छोड़ रहा है चना बारा चना। और ये देखो आप जब ये तरीका का बाग बगीचा लगा होगा नींबू का, तो यहाँ में बीच में कितनी कितनी दूर है 15 फुट 16 फीट तो ये 16 फुट में ये नीचे दिखाओ कैमरामैन चना बारा के साहब, आप नींबू आके लारा लारा चना की फसल भी ले सका था ये में, तो ऐसे कोई ना का कोई खेती ज्यादा नुकसान को खेती ज्यादा नुकसान मतलब आप जैसे की अपन सोयाबीन बाई सी पानी ज्यादा पड़ गयो तो बढ़िया ही बढ़िया है, दवाएं वगैरह ज्यादा छिड़कनी पड़ेगी। डेंसिटी पे एक जिसिया लगा देगा 70,000 कम न बटे। यो देखो आप अनुमान लगाए जा रहे हो कि 1 बीघा 50 से 70 हजार रुपया बीघा इमा आपने उत्पादन होगो, और देखो बहुत ही अच्छी बात। और पेड़ पौधा लाग रहे थे जहाँ के बीच में एक खेती डबल मतलब डबल फसल ले रहे थे अपन, सर्दी में अपन चना भी ले रहे थे और नींबू भी ले रहे थे, तो आगे और खाए को बगीचो लगा रहे अमरूद अमरूद को अमरूद कैसा कैसा प्रकार का अमरूद अमरूद तो आप मैं दिखाओ आपका अमरूद कैसा कैसा लेर चल रहे थे आप ही ब्रजराज जी के जो अमरूदा को बगीचो छे, और यहाँ से जानकारी लेंगे कचा कचा अमरूदी में दिखाओ सामान दिखाओ आओ दिखाओ कैमरामैन आगे से। इसमें 5 वैरायटी है, यो 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 कछवाड़ो छे, ये ताइवान पिंक है, यो पिंक ताइवान देखो आप पिंक ताइवान, तो ये की काई का से अच्छा पिंक ताइवान की यो 8-10 दिन ताई तो खराब नो। अच्छा, और निकल बाम अंदर गुलाबी कलर, गुलाबी कलर को यो पिंक ताइवान अमरूद यहाँ दिखा रहे थे भाई साहब ब्रजराज जी, और आपन देख रहे थे देखो ये छोटो सो पेड़ मात्र 3 से 4 फुट को पेड़ से मित्रों, और ये पेड़ में देखो आप अमरूद आगे मारे यो नीचे ही झूल रहे थे, और अमरूद देखो आप ये कितना सुंदर और कितना मतलब देख बाम मुंडा में पानी आ रहे मित्रों, इतना बढ़िया अमरूद आज अपनी देख बाम मन रहे आड़ू थी कपड़ा के माध्यम से, और यो लाल खड़े से भीतर सू तो एक एक अमरूद मान दिखाओ आप फोड़ो। ये देखो ब्रजराज जी आपने दिखावो चाह रहे थे एक अमरूद बहुत ही टाइट रहे थे मतलब यो यूं ऐसे देसी अमरूद का 90 लो ना देखो ध्यान ध्यान फूटो को यो लो लो इन पचकाओ यो पचको को हाँ यो देखो कैमरामैन दिखाओ ये देखो यो देखो साहब बिल्कुल पिंक होता है
और बीज बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। इका जो बीज है अमरूद का, ये जामल का बीज बिल्कुल मतलब कच्चा टाइप का रहे, और ज्यादा अपने डाट दाता में भी ना बूढ़ा मनक भी खा सके जी ना, और बहुत मीठो जी हो। अच्छा तो टेस्ट कर देगा एक बार आराम से। वाकई में मित्रों यो आपने खार देखो और बहुत ही अच्छो अमरूद आपने आज देखवा मिल रहे, खावा मिल रहे, मतलब मन ऐसा कर रहे दो चार जाम बड़ा पानी तोड़ खा लिया, और आप माई और भी फेट दिखाओ आगे कैमरा मैन दिखाओ, ये देखो देखो ये अमरूद को तरीको देखो आप, पिंक ताइवान, और यहाँ की साइज कितनी हो जाती होगी? साइज हाईएस्ट इसकी 700 ग्राम के आसपास। या देखो एक और रोचक जानकारी, एक ही अमरूद 700 ग्राम को अमरूद, तो फिर ये आपने यहाँ आसपास की मंडी में बेचे या कहाँ बेचे? जयपुर ताई बेचे, जयपुर कोटा जयपुर की मंडी ताई ये अमरूद बिकवा जा रहे थे। और देखो यहाँ यहाँ का बीच में भी यहाँ खेती कर रहा है, खाएगी जे अलसी अलसी। या देखो साहब एक और मतलब स्वास्थ्य वर्धक फसल, अलसी की फसल, जिसो आप डायबिटीज वगैरह सारी कंट्रोल हो, दिखाओ कैमरा में नीचे अलसी। या खेत में या ना 16-16 फीट पर ये जामपल का फेट लगा रखे थे पिंक ताइवान, और ये का बीच में ये अलसी की खेती कर रहे थे। मैंने आप ही पहले भी जानकारी दी थी कि यह ये खेती का बीच में अपन दो फसलें एक सलारा ले सका जहाँ, बीच में जगह छोड़ रहे 16-15 फीट की, और उनमें बीच में अपन ट्रैक्टर से बुआई कर सका जहाँ, और बुआई से अपन दो दो फसलें ले सका जहाँ। तो आगे अपन जानकारी लेंगा आगे। चलो ये दिखाओ अमरूद का फेट दिखाओ पूरा, ये महाराष्ट्र की वेरायटी है। ये देखो ये जी विलास, ये देखो आप जी विलास का अमरूद देखो, ये आधा किलो के आसपास, ये देखो आधा आधा किलो 600 ग्राम, आधा किलो 600 ग्राम को एक ही अमरूद। ये देखो अपनी ये आधा आधा किलो का अमरूद अपनी देखवा मिल रहे थे। आज अपन आए थे बहुत ही रोचक जानकारी लेबा मुरला गांव में, अट्रू के पास जो मुरला गांव है अट्रू के नजदीक ही। आप सबसे पहले जो इनका फड़ाव पे गौर करो साहब, एक ही डाल पर ये देखो साहब कम से कम दो दो ढाई ढाई किलो अमरूद लदे हुआ से। ये जी विलास इको नाम से ये नस्ल को, और इनकी साइज भी ज्यादा ज्यादा 5-6 फुट को पेड़ चाहिए। और कितना टाइम हो गई लगाया? 2 साल का हो गया, तीसरा साल चाल भी बनता है, बारी इसमें 2 साल पूरा है। और एक लावाटी था इसे वन दीजिए। यहाँ को क्या नाम से? ये यो जी विलास और एक ताइवान पिंक, अब ये थाई सेवन की वेरायटी। थाई सेवन ये देखो मित्रों, ये इधर है थाई सेवन, ये थाई सेवन एक और नस्ल अमरूद की, आप ही मत दिखा रहे जा। यो थाई सेवन, और ये आपने कहीं लगा रखे थे यहाँ पर? ये पोम होती है, इसे फसल है, ये फल खराब नहीं होता। यो देखो साहब इमें खेती में नवाचार को एक और तरीको, ये आपने जो उत्पादन हो रही है अमरूदा को, यहाँ का था ना ये फोम लगा रखे जो फोम, तो ये खराब न हो, फोम से खराब न होगा, कीड़ा मकोड़ा भी इसे दूर रहेगा। ये एक फोम अटार दिखाओ देखा एक, ये होता है जो देखो साहब किलो कच्चा है भी, आधा किलो के आसपास, यो आधा किलो को लगभग आधा किलो 700 ग्राम को अमरूद यो भी बटे थे, और वजन में खूब तुला थे मित्रों। और ये सबसे ज्यादा यो सबसे ज्यादा शक्कर की टक्कर मान लो ही ना। कई नाम जी हो? ये थाई सेवन, यो थाई सेवन नाम को अमरूद जो अपनी देखवा मल रुझा मुरला गाँव में श्रीमान ब्रजराज जी के, जो शक्कर की टक्कर मान लो मित्रों, अतनो मीठो अमरूद। साइज देखो ये और ज्यादा बड़ी हो रही है, ये देखो साहब ये साइज देखो, जाम बड़ा की साइज देखो आप, छोटा मोटा पपीता का नहीं जिया। और ये देखो पकड़िया जाए बिल्कुल खूबसूरत, दिखाओ कैमरा मैन ये देखो साहब। दो मिनट घूम जाओ। तो भाई साहब राठी जी क्या अपन ठेठ मुरला गाँव से, और यहाँ का बगीचा में होता हुआ आया था, और बड़ी बड़ी रोचक जानकारी अपन ने यहाँ से मिली। आभार अपन ब्रजराज जी भाई साहब राठी जी क्या था, और बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ से मिली। और आप क्या किसान भाई यहाँ से कहीं खबर चाहो भाई? यही है कि नई नई चीज़ें करो, अच्छी पैदावार निकालो,
बाहर एक्सपोर्ट भी करो, अगर इनका ग्रुप बन जाए तो आप विदेशों तक भेज सकते हो। तो यहाँ का खबर को मतलब जो मुँह काम कर रहे हो जो अगर ऐसा 5-10-50 किसान भाई अगर हमारा 12 लाख 7 लाख एक यूनिटी बना ले अपनी, तो अपनो जो उत्पादन है अमरूद को छ, नींबू को छ, पपीता को छ, चीकू को छ, खाई को भी फल फ्रूटा को छ, ये कहता है अपन बाहर बड़ी जगह पर विदेशा में भी और अपना देश में भी ये कहता है एक्सपोर्ट कर सका था, बेच सका था, अपन मंडिया में बेच सका था। और ये रोचक जानकारी के लिए आप ही धन्यवाद राम राम साहब, और बनिया रहो हाड़ौती की खबर पर, आप ही प्रकार की रोचक जानकारी मैं देता रहेंगे। जहाँ तक लेकर राम राम इतराऊँ।